नमस्कार किसान भाइयों। किसान भाइयों, जिन किसान भाइयों ने अपने उड़द का बुआई कर दिया है, उड़द का बुआई इस समय हो चुका है, आप अभी करने वाले होंगे या फिर कर चुके होंगे, तो जो कर चुके होंगे, जैसा कि आप मेरा फील्ड में देख सकते हैं, बगल में मेरा बुआई हो चुका है। ये लगभग फरवरी लास्ट की बुआई है और आप देख सकते हैं क्या मस्त जर्मिनेशन इसका हो गया है। बढ़िया दो पत्तियां जो जर्मिनेशन के समय निकलती हैं वो निकल चुकी हैं और जो तीन लीफ की पत्तियां निकलती हैं, फर्स्ट जिसको लीफ बोलते हैं, वो निकलना चालू हो गया है। आप गौर से देख सकते हैं। अब इस समय एक ये होता है तरीका देखने का, इसमें मतलब एक बोलते हैं ना कि मॉनिटरिंग करना या फील्ड का सर्वे करना, फील्ड विजिट करना, तो इस समय फील्ड विजिट करना बहुत जरूरी होता है। और वो किस लिए? क्योंकि इस मौसम में क्या है, कीट थोड़ी ज्यादा प्रभाव करते हैं, सबसे अधिक थ्रिप्स और माहू, यही इस समय मतलब एक विशेष प्रकार का प्रभाव करते हैं फसलों में। तो आप जब देखेंगे ना, तो जब जैसे जर्मिनेशन होता है, पत्तियां कोमल होती हैं, पौधे कोमल होते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे कीट जब आके आपके पौधे पर अटैक करेंगे तो आपका पौधा अल्टीमेटली खराब हो जाएगा। मतलब जब खराब हो जाएगा तो ना तो उसकी अच्छे से ग्रोथ होगी, ना तो फिर उसका विकास होगा। फिर आप बोलेंगे कि सर हमारे पौधों में ग्रोथ नहीं हो रहा है, किस कारण से? क्योंकि जर्मिनेशन तो हुआ, आपने फर्स्ट खाद डाला है, बहुत अच्छे से मैनेजमेंट किया है, बहुत अच्छे से जुताई किया, बुआई किया, आपने हर एक खाद को लाया, मिलाया, बढ़िया मिला करके खेत में डाला, बुआई कर दिया। बुआई करते समय जब आपका अंकुरण हुआ, बहुत ही अच्छा दिखा पौधा, आप तो बोले करे वाह हमारा पौधा एकदम हरा भरा लस ग्रीन दिख रहा है, बहुत अच्छा जर्मिनेशन होगा। लेकिन आपने उस समय ये ध्यान नहीं दिया कि कीट भी तो नहीं है हमारे पौधों में। अगर आपके पौधों में कीटों का अटैक है तो आपकी पत्तियां मुड़ जाएंगी, कुकुड़ जाएंगी, पत्तियों में छेद हो जाएगा, कैसे जर्मिनेशन का मतलब, अच्छी जर्मिनेशन का क्या मतलब रह गया जब पौधों का फर्स्ट विकास ही नहीं हो पाया। तो इस समय केयर करना बहुत जरूरी होता है और इस समय केयर करने के लिए आपको ज्यादा नहीं, आप थायमेथोक्जाम का स्प्रे कर सकते हैं, इसमें इमिडा क्लोरोपिट का स्प्रे कर सकते हैं। एट द रेट आप अगर मैं बोलूं तो लगभग 100 से 120 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं। आप मेरे खेत को देख सकते हैं, मैंने इसमें स्प्रे कर शाम को ही करवा दिया था, क्योंकि इस समय बहुत ही जरूरी होता है विशेष ध्यान, क्योंकि ये बाल्यावस्था होता है पौधों का। अगर ये पौधा विकसित हो गया, जैसे पत्तियां थोड़ी हार्ड होंगी ना, तो इनका अटैक थोड़ा मतलब कि इनका प्रभाव थोड़ा कम दिखेगा। वैसे भी प्रभाव दिखे या ना दिखे, आपको हर 10 दिन में एक स्प्रे कर देना है। स्प्रे करने से क्या होता है कि जो लगने वाले होते हैं वो नहीं लग पाते हैं, और अगर आप लगे में कंट्रोल करोगे तो जो नुकसान तो हुआ वो तो हो चुका ना, तो आपको नुकसान नहीं होने देना है। मतलब नुकसान ना हो पाए आपको पहले ही आपको स्प्रे कर दो, मतलब प्री कंट्रोल कर लो, पहले ही आप कंट्रोल कर लो, पहले देखभाल कर लो, कोई दिक्कत ही ना आएगी। अगर आप इस समय चाहें कि हम खाद भी डालना चाहते हैं, वैसे अभी जर्मिनेशन हुआ है, आपने मिट्टी में खाद दिया है, बहुत ही अच्छा ग्रोथ होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप खाद डालना चाहते हैं, आपकी उड़द में मान लीजिए जो पत्तियां 5 पत्ती 6 पत्ती हो गई 10 पत्ती हो गई है, आप काफ़ी पहले बुआई कर चुके थे, खाद डालना चाहते हैं, तो आप 19-19-19 का भी मात्रा ले सकते हैं, तो उसका भी आप छिड़काव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने उनका भी नहीं डालना चाहते तो थोड़ा सा 10 से 15 ग्राम यूरिया और वही लगभग 15 से 20 ग्राम आप डीएपी और वही लगभग आप ले सकते हैं पोटास, लगभग 15 से 20 ग्राम प्रति टंकी आप मिला लें बढ़िया घोल के, और उसके साथ आप कीटनाशक मिला के छिड़काव कर लें। अगर आपको फफूंदजनक समस्या आ रही है, कीटों की मतलब फफूंदजनक रोगों की समस्या आ रही है, तो आप सल्फर का स्प्रे कर सकते हैं। कोई सभी फफूंदनाशी का स्प्रे मत करिए, सल्फर का कर सकते हैं, हल्का कंट्रोल, हल्का अगर वो दिखेगा प्रभाव तो कंट्रोल हो जाएगा। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से आप अपने फर्स्ट में उड़द की व्यवस्था कर सकते हैं। मूंग का भी सेम ऐसे ही आप प्रोसेस कर लें, मूंग का भी आप देखभाल कर सकते हैं और अच्छी उत्पादन की ओर अग्रसर हो सकते हैं, पौधों का विकास अच्छा होगा। तो यही जानकारी है आज की। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, लाइक करना ना भूलें दोस्तों, लाइक की कमी करते हैं इसलिए हौसला भी थोड़ा सा डाउन होता है, और लाइक करें। जानकारी अच्छी लगी तो अन किसान भाइयों तक भी शेयर करें। वीडियो में नए हो, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।